नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर चौथे चरण की वोटिंग के अब कुछ घंटे और बच गए हैं, जब जनता जो है ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को बंद कर देगी अपने वोट के साथ। बड़ी बात यह है कि बिहार की 5 सीटों पर चौथे चरण के तहत जो है वो वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से जो है बेगूसराय, मुंगेर, उजियारपुर, समस्तीपुर और दरभंगा की सीट शामिल है। इन सीटों पर पिछले बार जब चुनाव हुए थे साल 2019 में, तब एनडीए ने इन तमाम सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार यहां पर तमाम सीटों पर समस्तीपुर को छोड़कर के लगभग प्रत्याशी वही हैं जो कि पिछले बार जीत करके आए हैं। तो दूसरी तरफ इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तरफ से जो एक तरीके से कहें कि तमाम जातिगत इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी उतारे हैं। दोपहर 3 बज गए हैं और 3 बजने के साथ ही जो चुनाव जो वोटिंग परसेंटेज वो सामने आ गया, और इससे लग रहा है कि पिछली बार जो वोटिंग हुई थी लगभग उतनी ही वोटिंग जो है वो धीरे धीरे करके जो है इस बार भी वहां पर ये आंकड़ा पहुंचने जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बता दें कि बिहार में जिन 5 सीटों पर वोट डाले गए उसमें दरभंगा में 47.61%, उजियारपुर में 46%, समस्तीपुर में 47.24%, बेगूसराय में 42.57%, जबकि मुंगेर में 43.55% वोटिंग हुई है। ओवरऑल की बात करें तो ये आंकड़ा 45.23% का है। सुबह से लगातार जो है समस्तीपुर और मुंगेर जो है वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ गया है दरभंगा में, और दरभंगा फिलहाल इन 5 सीटों पर सबसे ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई है और यहां पर आंकड़ा जो है 47.61% का है। उसी नंबर पर उजियारपुर है, 2 नंबर पर समस्तीपुर जो है वो बना हुआ है। समस्तीपुर और दरभंगा में जो है नंबर एक कौन होता है, इसकी लड़ाई बहुत नेक टू नेक चल रही है। बेगूसराय की बात करें तो सबसे कम वोटिंग किसी एक सीट पर हुई है तो वो बेगूसराय है। बेगूसराय सीट की बात करें तो यहाँ पर सीपीआई के प्रत्याशी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है फिलहाल 42.57% ही जो है वो नजर आया है। जबकि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और निवर्तमान सांसद ललन सिंह की बात करें तो मुंगेर में वहाँ पर 43.55% वोटिंग जो है फिलहाल हुई है। समस्तीपुर और दरभंगा में ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है, वहां पर जो है तेजी से वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, जबकि उजियारपुर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये तीनों वो सीटें हैं जहां पर 45% से ज्यादा जो है मतदान फिलहाल अब तक हो गया है। बचे हुए 3 घंटे और हैं और इन 3 घंटों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना पे कितना टच करता है, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। बता दें कि निर्वाचन आयोग हर 2 घंटे पर जो है वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े जारी कर रहा है। सुबह से समस्तीपुर और जो उजियारपुर है वो नंबर एक पर बना हुआ था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें दरभंगा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। दरभंगा की बात करें तो वहां पर ललित यादव आरजेडी के और गोपाल जी ठाकुर जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहां पर गोपाल जी ठाकुर पिछले बार भी चुनाव जीत करके आए थे, वहां पर लालू यादव ने पिछले बार के चुनाव में एम यानी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का इस्तेमाल किया था, उनको प्रत्याशी बनाया था जो चुनाव हार गए थे, और इस बार वहां पर ललित यादव जो कि खुद भी वहां से विधायक हैं उनको मैदान में उतारा है, और इस बार वाई का ख्याल रखा गया है इस सीट पर। और यहाँ पर जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि इस बार दरभंगा के जो चुनावी नतीजों को चौंका सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ जहाँ लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सभा की, तो दूसरी तरफ वहाँ के जो स्थानीय जो सांसद मौजूदा वक्त में हैं उनके खिलाफ भी भारी विरोध देखने को मिल रहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।